नमस्ते, मेरा नाम है दिगंत उदय और मैं कोलकाता से हूँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि मैं उतना अच्छा हिंदी बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे मुझे स्लिप्ड डिस्क हुआ था और कैसे 3 महीने के अंदर ही मुझे स्लिप्ड डिस्क से 95% रिकवरी मिल गया है। शास्त्रीय प्राणायाम करते करते मेरे तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीना क्या उससे थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लाइफस्टाइल में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मेरा बॉडी का पोस्चर भी चेंज हो गया है, मैं एकदम सीधा चलता हूँ। और जो लोग आप देखते हैं कि कंप्यूटर में सारा दिन लगा रहता है, कैसे कैसे झुक के रहते हैं, वैसा नहीं है, मेरा पोस्चर चेंज हो गया है, मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। और मैं तो पहले ही बताया कि मेरा दर्द एकदम ही कम हो गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और जैसा भी है वो भी शायद 1 महीना में टोटली 100% क्योर हो जाएगा। देखिए, क्षत्रिय प्राणायाम के बारे में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है वो तो आप बलबीर जी के साथ ही बात कर सकते हैं, बलबीर जी आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है इस क्षत्रिय प्राणायाम के ऊपर। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं जब प्रॉब्लम में था और बलबीर जी के साथ मैं पहली बार बात हुई थी, मैंने बलबीर जी को बताया था कि बलबीर जी मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, इसको कैसे हम ठीक करें, आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। वो मुझे एकदम जैसे अपना छोटा भाई मन के ऐसा करके अपने वो गाइड किए और रेगुलरली मुझे फ़ोन पे बात करते रहे कि मेरा कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, अभी क्या मैं कर रहा हूँ, कैसा अभ्यास कर रहा हूँ। वो मुझे लगातार वीडियो कॉल करते रहे हर हफ्ता कि मेरा अभ्यास देखने के लिए कैसे मैं कोई गलती कर रहा हूँ या कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और मुझे वो उत्साह देने लगे। माने कि मैं पहले तो 40-50 के ज़्यादा रोटेशन भी नहीं कर पाता उधर का, लेकिन मैं अभी 1000 कर सकता हूँ, और ये सारा कुछ पॉसिबल है बलबीर जी के कारण। और बलबीर जी के कारण ही मेरा स्लिप डिस्क का पेन अभी 95% या उससे ज़्यादा भी कम हो गया है, तो मैं नॉर्मल लाइफ में आ रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, पहले से मेरा ताकत बढ़ गया है, शरीर में मेरा ताकत पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये सारा पॉसिबल हुआ है क्षत्रिय प्राणायाम के कारण। और आपको ये बात जान के मतलब अच्छा लगेगा कि बलबीर जी उनका व्रत है कि हमारे देश में कोई भी कमज़ोर नहीं रहेगा, कोई भी बीमार नहीं रहेगा, इसीलिए बलबीर जी तो ये कर रहे हैं सबके लिए। और इसके लिए बलबीर जी मुझसे ये क्षत्रिय प्राणायाम के प्रैक्टिस कराने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए, ये अपने खुद करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, हमको छोटे भाई जैसा ऐसे देखते हैं और मैं भी उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, ऐसे ही किए, ये कोई भी चार्जेस नहीं लिए, वो अपना खुद टाइम निकल के, अपना बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकल के बलबीर जी मुझे ये प्रैक्टिस कराते रहे। हम लोग जब जिम जाते हैं, मॉडर्न जो जिम जाते हैं, इसका एक अलग सा रूटीन रहता है एक्सरसाइज करने का। क्या है कि 7 दिन में 1 दिन का रेस्ट डे और बाकी 6 दिन आप काम करेंगे जिम में, और इसका रूटीन ऐसा होता है कि आप 1 दिन बाइसेप ट्राइसेप करेंगे, 1 दिन आप लेग एंड शोल्डर करेंगे और 1 दिन आप बैक एंड चेस्ट करेंगे। तो मानिए कि जिस दिन आप गए और बाइसेप ट्राइसेप के ऊपर ही ज़्यादा एक्सरसाइज किए, उस दिन आप घर पहुँचने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ, आपके बाइसेप ट्राइसेप में बहुत ज़्यादा पंप है। अगला दिन आप गए, आप मानिए कि आप लेग एंड शोल्डर किए, तो उस दिन आपका पैर में और शोल्डर में बहुत ज़्यादा पंप आएगा। और अगला दिन आप जब जाएंगे तो उस दिन आप चेस्ट के ऊपर करेंगे या बैक के ऊपर करेंगे एक्सरसाइज, तो उस दिन आपका चेस्ट में पंप रहेगा। लेकिन उस दिन आपका जब आप चेस्ट कर रहे हो, उस दिन आपका बाइसेप ट्राइसेप के ऊपर ज़्यादा पंप नहीं है और या आपके लेग के ऊपर ज़्यादा पंप नहीं है, तो कम होते जाता है। लेकिन अब जब ये क्षत्रिय प्राणायाम के द्वारा जब मुग्धर का एक्सरसाइज करेंगे या दंड करेंगे, बैठक करेंगे या और कोई दूसरा अभ्यास करेंगे, तो आप
एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो पंप है ये बना रहता है, ये कभी घटता नहीं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा, क्योंकि मैं पहले भी जिम करता था, लॉकडाउन से पहले भी मैं रेगुलरली जिम जाता था, तो ये डिफरेंस मुझे पता चला। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कह रहा हूँ कि जिम अच्छा नहीं है, जिम जाना बेकार है, आप सिर्फ सच्चे प्राणायाम करें, ये बात नहीं है। लेकिन ये एक डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, वो मुझे पता चला, खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सच्चे प्राणायाम का कुछ नियम है जो आपको पालन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको सच्चे प्राणायाम का सुफल मिलेगा। आप में से जिन्हें भी मेरे जैसा स्लिप डिस्क का पेन है, या मानिए कि और भी कोई दूसरा पेन है आपके शरीर में, सच्चे प्राणायाम के द्वारा इसको आप सही कर सकते हैं। तो ये तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर किया आज। मेरा सच्चे प्राणायाम के बाद स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम हो गया है, मैं बहुत अच्छा काम भी कर सकता हूँ अभी, रात को अच्छी नींद भी आता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शरीर पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा हो गया है, और वो भी सिर्फ 2 महीना के एक्सरसाइज के बाद भी। तो आगे चल के ये तो मतलब कहाँ जाएगा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। मेरे हिसाब से सबको सच्चे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जो भी करना चाहते हैं वो बलबीर जी से सीखे, और ये कैसे करना चाहिए बलबीर जी बताएंगे। ये सच्चे प्राणायाम के तरह तरह के जो अभ्यास है, ये बहुत साइंटिफिकली डेवलप किया हुआ था। तो ये अभी हमारे ये नए ज़माने में हम लोग जिम जाते हैं, मॉडर्न जो जिम जाते हैं, ट्रेडमिल में काम करते हैं, या मानिए कि बेंच प्रेस करते हैं, लेकिन इससे भी कई सालों पहले ये मुदगल के अभ्यास था, ये दंड था, ये बैठक था, और ये बहुत साइंटिफिकली डेवलप किया हुआ था। तो इसका बेनिफिट तो मैं खुद अपने शरीर के ऊपर मुझे तो अभी महसूस हो रहा है। मेरा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम तो 95% क्योर हो चुका है, और मैं पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। तो देखिए, बलबीर जी के साथ बात करने के बाद मुझे ये जानकारी मिली कि ये सच्चे प्राणायाम हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत ही पुराना एक हिस्सा है। आप लोग मुझे ये पूछ सकते हैं कि मैं मुग्धर का अभ्यास ही क्यों शुरू किया, मैं तो कोई भी मॉडर्न जो जिम है वो ज्वाइन कर सकता था, कि और भी कोई दूसरा अभ्यास कर सकता था। जिस सच्चे प्राणायाम के अभ्यास के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन मैंने फिर भी क्यों बलबीर जी के साथ बात करके ये मुग्धर ही उठा लिया, मुग्धर का भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैं जब स्लिप डिस्क का पेन वो पहला फेज़ से गुजर रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिए थे कि कभी मैं भारी वज़न उठा नहीं पाऊँगा, कोई भारी काम नहीं कर पाऊँगा, मोटरसाइकिल भी चला नहीं पाऊँगा, या और कोई हेवी एक्सरसाइज कर नहीं पाऊँगा। लेकिन ये 2 महीना हो गया है मेरा सच्चे प्राणायाम के अभ्यास करते हुए, मुझे अभी ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं तो शायद 1 महीना में पहाड़ चढ़ना भी शुरू कर पाऊँगा। मैं अभी सच्चे प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूँ हर रोज़, और मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी दवाई, कोई भी पेन किलर, कुछ भी नहीं, सिर्फ सच्चे प्राणायाम, और मैं पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी लग रहा है मुझे, और मेरा दर्द तो बिल्कुल नहीं है, 95% तो कम हो गया है ऑलरेडी, तो मुझे इसका बेनिफिट खुद महसूस हो रहा है। देखिए, मैं सच्चे प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे तो उतना भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मानिए कि अप्रैल के एंड से मैंने शुरू किया हूँ, और अभी जून का ऑलमोस्ट मिडिल में है हम लोग। तो पहले शुरुआत में मैं ज़्यादा मुड़कर घुमा नहीं सकता था, ज़्यादा रोटेशन नहीं होता था, 30
40 ऐसा ही कुछ था। और अभी जून के मिडिल में हम लोग आ गए हैं, तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 500 प्लस 500 1000 रोटेशंस में एक दिन में कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा 95% स्लिप डिस्क का पेन अभी नहीं है, तो मैं ऑफिस जा सकता हूँ, मैं आपका खुद का काम कर सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ। तो मुझे तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि और कुछ महीना अगर ऐसे हम चले प्रैक्टिस किए तो ये 100% मुझे रिकवरी मिल जाएगा। ये एक तरह से मेरे लिए चमत्कार ही है। जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज करके, नॉर्मल फिजियोथेरेपी करके जो स्लिप डिस्क का पेन जो नहीं ठीक हो रहा था, वो शास्त्रीय प्राणायाम के द्वारा ये ठीक हो रहा है। ये तो मेरे लिए तो चमत्कार ही है। तो ये तीन मुद्गर से मैंने क्षत्रिय प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया। तो दो जोड़ी मुद्गर जो कि 2-2.5 किलो के आते हैं, और एक उससे बड़ा मुद्गर जो 5.5 किलो का है। तो बलबीर जी मुझे ये तीन मुद्गर भेजे और इसी से मैंने शुरुआत की। बलबीर जी का वीडियो तो था ही यूट्यूब चैनल में, और वो मुझे मैं एक्चुअली मैं मेरा प्रॉब्लम के बारे में उनको बताया था कि स्लिप डिस्क है, इसको कैसे ठीक करेंगे, आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए। तो बलबीर जी रेगुलरली मुझे फ़ोन करते रहे, वो खुद से ही फ़ोन करते रहे, पूछते रहे कि मेरा प्रोग्रेस कैसा है, कैसा चल रहा है। और बीच बीच में बलबीर जी मुझे वीडियो कॉल करके अभ्यास मेरा अभ्यास देखते रहे, और कोई अगर गलती हो रहा है, कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, तो उसको सुधारते रहे। और इसी तरह बहुत कम दिन के अंदर ही मुझे पावर आना शुरू कर दिया, और मुझे स्लिप डिस्क के पेन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। मैंने देखा कि पहले जैसा मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो रहा था, वो प्रॉब्लम दूर होते लगा। दर्द, सबसे बड़ी बात जो दर्द है, वो बहुत ही कम होने लगा। और मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरा बैक बोन का मसल्स अभी पहले से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, मैं ठीक तरह से मूवमेंट कर सकता हूँ, और मैं फिर से ऑफिस भी जा पा रहा हूँ। तो बेनिफिट मुझे एकदम साफ दिखाई दिया। बलबीर जी के साथ बात करके मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, और बलबीर जी मुझे सजेस्ट किए कि कैसे क्षत्रिय प्राणायाम का शुरुआत करना है। तो उन्होंने मुझे दो जोड़ी मुद्गर पहले सजेस्ट किए, जोड़ी मुद्गर जो कि छोटे छोटे मुद्गर होते हैं, 2.5-3 किलो के, और उसके साथ एक बड़ा मुद्गर, वो 5-5.5 किलो का आता है। तो पहले वो ये बलबीर जी ने मुझे ये दोनों मुद्गर से शुरुआत करने को कहा। तो बलबीर जी के वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे, ये तो लग रहा है कि स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है क्षत्रिय प्राणायाम, जिसके बारे में पहले मुझे कोई भी जानकारी नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले ले, थोड़ा पढ़ाई करे इसके बारे में, क्या है, कैसे करते हैं। और मैं बलबीर जी को उसी दिन फ़ोन किया था, यूट्यूब के चैनल में उनके फ़ोन नंबर भी दिए हुए थे। बलबीर जी के साथ बात करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। बलबीर जी हमें बताए कि ये क्षत्रिय प्राणायाम के तरह तरह के अभ्यास के द्वारा हम अपने शरीर को तो मजबूत कर ही सकते हैं। और मेरा जैसा सिचुएशन था कि स्लिप डिस्क, उसका दर्द भी दूर हो सकता है, क्योंकि उसमें 100% रिकवरी भी मिल सकता है। बलबीर जी ने बताए थे मुझे कि इसमें मुझे 200% बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने बलबीर जी के साथ बात करने के बाद उनकी रिकमेंडेंस देखिए, ये स्लिप डिस्क का पेन कैसा होता है, ये तो आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, क्योंकि ये एक बार जिसे हुआ है वो ही जाने ये कैसा है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि लगता है कि आप मर जाओगे। चलना फिरना तो दूर की बात, जब मैं बिस्तर में सोया रहता था तब भी लगता था कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा और कभी भी उठ चल नहीं पाऊंगा। तो फिजियोथेरेपी चल रहा था, उसमें भी बहुत दर्द, काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था। मुझे किसी भी हालत से, ऐसा सिचुएशन से निकलना था,
तो मैं थोड़ा गूगल में ही थोड़ा पढ़ाई करना शुरू किया कि स्लिप डिस्क क्या है, इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है, कोई रास्ता है भी या नहीं, और कोई दूसरा कुछ अल्टरनेट तरीका है क्या जिससे हम स्लिप डिस्क का दर्द को दूर कर सके और फिर से नॉर्मल लाइफ में आ सके। तो यही सर्च करते करते मुझे यूट्यूब में पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग, जो कि हमारे बलबीर सिंह जी का चैनल है, वही चैनल दिख गया। और उसी चैनल में मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस है जो कि क्षत्रिय प्राणायाम के बारे में हैं। तो क्षत्रिय प्राणायाम क्या है ये तो मुझे पहले पता नहीं था, तो बलबीर जी का वीडियो मैं देखता रहा। और एक वैसा वीडियो में उन्होंने बताया था कि कैसे हम क्षत्रिय प्राणायाम के द्वारा तरह तरीके के क्षत्रिय प्राणायाम के एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि मुग्धर का अभ्यास, दंड बैठक, ऐसे भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं जिसके द्वारा हम स्लिप डिस्क, सायटिका, ये समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे स्लिप डिस्क हुआ था कैसे। तो देखिए, मैं आईटी में काम करता हूँ, तो दिन भर लगातार कंप्यूटर में बैठ के मुझे काम करना पड़ता है। तो लॉकडाउन के दौरान बाहर जाना भी बंद हो गया था, फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो गया था, तो लगातार 10-11 घंटे कंप्यूटर में काम करते करते क्या हो गया था कि मेरे बैकबोन के दोनों साइड का जो मसल्स है वो मसल्स वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, और कुछ दिनों के बाद उसमें दर्द होना शुरू हो गया। तो ऐसा हुआ था कि वो दोनों साइड के मसल्स इतना स्टीफ हो गए थे, पत्थर जैसा सख्त हो गए थे, उसमें हाथ देने से भी बहुत दर्द होने लगता था। तो इसी दौरान मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने देखा और देख के कुछ दवाई दिए थे, कुछ पेन किलर ऐसा कुछ दवाई दिए थे। तो दवाई लेने के बाद वो पेन थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वो प्रॉब्लम वैसा ही था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बाल्टी भर पानी मैंने उठा के लेके जा रहा था और मुझे ऐसा लगा कि कोई आके मेरे पीठ में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, और उसी के बाद ही इतना ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया कि मुझे तो मतलब चलना तो दूर की बात है, मैं बिस्तर में भी एक साइड से और एक दूसरा साइड मुड़ नहीं पा रहा था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया और डायग्नोसिस करके उन्होंने बताया कि ये तो स्लिप डिस्क हो गया है। तुम अंत में मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये क्षत्रिय प्राणायाम हमारे देश की प्राचीन परंपरा है और इसे बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप किया गया था। आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हो तो। जैसे कि बलबीर जी कहते हैं कि इस देश में किसी को कमज़ोर नहीं रहना है, हर किसी को बलवान रहना है। तो आप भी इसका अभ्यास शुरू करके देख सकते हैं, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो आज बस इतना ही, हम चलते हैं। जय हिंद।